बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो हमने कोलिगेटो प्रॉपर्टीज़ वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। इससे पहले लेक्चर में हमने कोलिगेटो प्रॉपर्टीज़ का इंट्रोडक्शन, उसकी जो सारी एक्सप्लेनेशन थी वो हमने पढ़ी, और लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ा। तो इस लेक्चर में हम जो सेकेंड कोलिगेटो प्रॉपर्टी है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम पढ़ेंगे। तो जो पीछे हमने लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था, उसमें हमने पढ़ा था कि एक यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कंटेनर में अगर प्योर सॉल्वेंट हो तो इसके यहाँ पर कुछ वेपर्स बनेंगे और उन वेपर्स का कुछ वेपर प्रेशर होगा, जिसको हमने पी नॉट का नाम दिया था। और फिर अगर इसी सॉल्वेंट के अंदर हमने सॉल्यूट ऐड कर लिया, जैसे ये सॉल्वेंट है और इसके अंदर ये मैंने जो सॉलिड डॉट्स बनाए हैं ये नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अब ये सोल्यूशन कहलाएगा। तो सोल्यूशन के केस में जो वेपर्स हैं वो कम बनेंगे, क्योंकि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो सरफेस के ऊपर भी आ गया, जिसकी वजह से ये सरफेस एरिया, सॉल्वेंट का सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो कम सॉल्वेंट के वेपर्स ऊपर एवेपरेट करें। अब सॉल्यूट तो एवेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन को हमने पी से रिप्रेजेंट किया था। तो देखें, वेपर प्रेशर जो है कम हो रहा है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो भी तो डिपेंड करता है वेपर प्रेशर पे। यानी बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के। जितना ज़्यादा सॉरी बॉइलिंग पॉइंट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा किसी चीज़ का, उतना कम उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। बॉइल करने का यही मकसद होता है ना कि चीज़ें एवेपरेट हो जाएँ, वेपर्स बनकर उड़ जाएँ। तो जितना किसी चीज़ के वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। तो ये जो चेंज इन वेपर प्रेशर है इसका इफेक्ट हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो सॉल्यूशन का केस में अब चूंकि वेपर प्रेशर कम है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। वेपर प्रेशर इस केस में कम है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन बढ़ जाएगा। इसी को तो कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी सॉल्यूट की एडिशन के बाद सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के मुकाबले में बढ़ जाता है। इसके लिए एक और दूसरी टर्म भी यूज़ की जाती है, जो है एबुलियोस्कोपी। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल इसके बाद हम पढ़ लेते हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये इस डायग्राम में अगर आप देखें तो एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर को ड्रा किया है और वाई एक्सिस पे हमने वेपर प्रेशर को ड्रा किया है। रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो प्रेशर होता है, एक्सटर्नल प्रेशर, वो होता है 760 टोर, और 760 टोर पे जो है ना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट जो है यहाँ पर, वो यहाँ पर T2 बताया गया। अच्छा, इस यहाँ पर ये ग्राफ बताया गया है फॉर द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर ड्रॉ किया गया है जबकि वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर है। तो इस ग्राफ में दो कर्व्स हैं, ये जो ऊपर वाली कर्व है ये फॉर प्योर सॉल्वेंट है, और जो नीचे वाली कर्व है ये सॉल्यूशन, जो प्योर सॉल्वेंट वाली कर्व है उसको देखते हैं। तो जो जो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है, राइजिंग कर्व है। टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर प्रेशर बढ़ा, तो ये वाला जो टेम्परेचर है, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यानी इस सॉल्वेंट के ऊपर जो, इस टेम्परेचर के ऊपर जो सॉल्वेंट है वो बॉयल कर जाएगा। तो ये बात तो आपको पता ही है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वो होता है 760 टोर। तो यानी जो 760 टोर पे इस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बन रहा है वो पी नॉट है। अब चूँकि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक्सटर्नल प्रेशर पे डिपेंड करता है, तो एक्सटर्नल प्रेशर अगर 760 टोर हो तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का T1 बन रहा है यहाँ पर। और अगर सॉल्यूशन वाली कर्व देखें तो इस केस में देखें, इसी टेम्परेचर के ऊपर जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट बन रहा है T2। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर T2 बन रहा है। तो अब देखिए, जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूट के मुकाबले में ज़्यादा हो गया है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूट के मुकाबले में ज़्यादा हो गया है। तो ये जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट एंड प्योर सॉल्वेंट, इसी को तो डेल टी बी यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। और ये बराबर होगा, डेल टी बी बराबर होगा T2 - T1 के। तो T2 को हम कह देते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, और T0 जो है ये बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है।
तो इनको, इसको हम डेल टी बी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि टी माइनस टी नॉट, तो ये हो जाएगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो अब हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देख लेते हैं। मैथमेटिकल ट्री, तो थर्मोडायनामिक्स में हम एक क्लासियस क्लैपेरॉन नाम की इक्वेशन पढ़ते हैं जिसके अकॉर्डिंग लोग नेचुरल पी टू डिवाइडेड बाई पी वन विल बी इक्वल टू डेल एच वी डिवाइडेड बाई आर इंटू टी टू माइनस टी वन डिवाइडेड बाई टी वन इंटू टी टू। तो अभी हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पता चला कि जो पी नॉट है वो पी टू के बराबर होगा, यानी ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, और जो पी है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वो पी वन के बराबर होगा। टी टू बराबर होगा टी के और टी वन बराबर होगा टी नॉट का, यानी बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू टी नॉट एंड बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू टी। यहाँ से ये बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू टी नॉट एंड बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन विल बी इक्वल टू टू टी। तो जब 760 टोर, तो यहाँ पर जो प्योर सॉल्वेंट है वो 760 टोर अगर एक्सटर्नल प्रेशर हो तो उस प्रेशर पे टी वन टेम्परेचर पे बॉयल करता है, और जो सोल्यूशन है वो टी टू टेम्परेचर पे बॉयल करेगा 760 टोर ही अगर एक्सटर्नल प्रेशर हो तो। लेकिन अगर आपने सोल्यूशन को भी टी नॉट पे बॉयल कराना है या टी वन टेम्परेचर पे बॉयल कराना है तो उस केस में जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसको हमें लेस देन 760 टोर रखना होगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये जो पी है, पी नॉट जो है ये पी वन के बराबर है, और पी यहाँ पर सॉरी पी नॉट जो है ये पी टू के बराबर है, और पी यहाँ पर बराबर है पी वन के, यानी। तो यह है जी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें देखें वेपर प्रेशर और टेम्परेचर अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वेपर प्रेशर इज अलोंग द वाई एक्सिस। तो सॉल्यूशन का यहाँ पर टी वन टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का जो इनिशियल वेपर प्रेशर था वो कितना था 760 टोर, और टी टू टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो जाता है 760 टोर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि पी टू इज इक्वल टू पी नॉट, यानी टी टू टेम्परेचर पे, ये देखें टी टू टेम्परेचर यहाँ पर कॉरिस्पोंड कर रहा है टी को, और इस टी टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो है पी नॉट, और पी नॉट बराबर है पी टू के। सिमिलरली टी टू टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना था, टी वन टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पी वन है, और पी वन यहाँ पर कॉरिस्पोंड कर रहे पी को, ठीक है। इसका मतलब है हम पी टू की जगह पी नॉट लिख सकते हैं, पी वन की जगह पी, टी टू की जगह टी, और टी वन की जगह टी नॉट। तो ये जो क्लैशियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है इसमें हम ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हो जाएगा लॉग नेचुरल पी टू की जगह आ जाएगा पी नॉट डिवाइडेड बाय पी वन की जगह पी। सिमिलर इंथालपी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय आर एज इट इज आ जाएगा, टी टू की जगह आपने लिखना है टी माइनस टी वन की जगह आ जाएगा टी नॉट डिवाइडेड बाय टी टी नॉट। अब यहाँ पर ऐसे करते हैं, यहाँ पर इस पी और पी नॉट को फ्लिप कर देते हैं तो ये हो जाएगा लोग माइनस लोग नेचुरल पी ओवर पी नॉट विल बी इक्वल टू डेल एच वी डिवाइडेड बाई आर इंटू टी माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई टी इंटू टी नॉट। अब चूंकि सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डायलूट है तो टी जो है वो तकरीबन तकरीबन टी नॉट के बराबर है, यानी जो चेंज इन बॉइलिंग टेम्परेचर है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान तो वो बहुत कम है, क्योंकि सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हुआ है वो बहुत कम है। तो उस केस में हम ऐसे मान सकते हैं कि टी इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टी नॉट।
तो जब ऐसे है तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं, लेकिन डेल एच वी डिवाइडेड बाई आर, ये चेंज इन बॉइलिंग टेम्परेचर है, तो इसको हमें डेल टी बी लिख सकते हैं। अब ये चूंकि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हुआ है तो डेल टी बी लिखेंगे डिवाइडेड बाई, ये टी बराबर है टी के, तो टी इंटू टी बराबर हो जाएगा टी के स्केयर के, तो डेल टी बी डिवाइडेड बाई टी का स्केयर हो जाएगा, और इक्वेशन के इस साइड पे सेम ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसको फ्लिप अप कर दिया है और ये साइड एज इट इज़ आ जाएगी। अब क्योंकि सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है तो टी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टी नॉट हो जाएगा, यानी जो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट हुआ है वो बहुत कम हुआ है, तो जब टी टी नॉट के बराबर हो जाएगा तो इस टी टी नॉट की जगह हम टी का स्क्वायर भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह का एक रिलेशन हमने पढ़ा था राउल्ट्स लॉ में कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स वन, यानी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के, तो प्रोपोर्शनैलिटी के साइन हटाकर हमने वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट लगाया था। तो इसको अगर हम रीअरेंज करें तो पी ओवर पी नॉट बराबर हो जाएगा एक्स वन के, और ये बात भी हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बराबर था वन के, तो एक्स वन यहाँ पर हो जाएगा वन माइनस एक्स टू के, एक्स वन की जगह वैल्यू पुट करते हैं तो पी ओवर पी नॉट विल बी इक्वल टू वन माइनस एक्स टू हो जाएगा। तो हम अगर इस इक्वेशन में पी ओवर पी नॉट की वैल्यू पुट कर दें, ये एक्स टू ये वाली जो चीज़ है ये अगर हम यहाँ पर पुट कर दें तो माइनस लॉग नेचुरल वन माइनस एक्स टू बराबर है डेल एच वी डिवाइडेड बाई आर इंटू डेल टी वी डिवाइडेड बाई टी का स्केयर। तो हम ये वाली जो टर्म है इसको हम क्या कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में एक एक्सपेंशन टेक्निक होती है जिसमें हम लोग नेचुरल वन माइनस एक्स टू को जब एक्सपेंड करते हैं तो ये माइनस एक्स टू प्लस एक्स टू का स्केयर डिवाइडेड बाई टू का फैक्टोरियल माइनस एक्स टू का क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री का फैक्टोरियल, इसी तरह अप टू सो ऑन। एक वैल्यू के साथ आपने प्लस लगाने, इसके बाद प्लस वाली टर्म आ जाएगी, फिर इसके बाद माइनस वाली, और जैसे जैसे आप आगे आते जाएंगे, यहाँ पर स्केयर है तो यहाँ पर क्यूब, आगे पावर में फोर आ जाएगा, फिर फाइव, और डिवाइड में भी ऐसे फोर का फैक्टोरियल फाइव का फैक्टोरियल। तो देखें जो डिन्यूमिरेटर है यहाँ पर आगे जितनी भी टर्म्स हैं उनमें डिन्यूमिरेटर बड़ा होता जा रहा है, तो जब डिन्यूमिरेटर बड़ा होता जाता है तो ओवरऑल जो वैल्यू है वो छोटी होती जाती है, तो इसको और इस वैल्यू को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि माइनस लॉग नेचुरल वन माइनस एक्स टू विल बी इक्वल टू माइनस एक्स टू, तो हम ये वाली जो चीज़ है इसकी जगह हम माइनस एक्स टू लिख सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि लॉग नेचुरल वन माइनस एक्स टू इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू माइनस एक्स टू। माइनस एक्स टू की वैल्यू पुट करें यहाँ पर, तो ये हमने यहाँ पर इसको एक्सपेंशन किया है। अब हम इस माइनस एक्स टू की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, इस माइनस एक्स टू की जो है ना इसकी जगह यहाँ पर माइनस एक्स टू पुट करते हैं, तो माइनस इन टू माइनस एक्स टू विल बी इक्वल टू डेल एच वी डिवाइडेड बाई आर इन टू डेल टी वी डिवाइडेड बाई टी का स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये एक्स टू बराबर हो जाएगा डेल एच वी डिवाइडेड बाई आर इन टू डेल टी बी डिवाइडेड बाई टी का स्केयर। अब अगर हमने डेल टी बी यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मालूम करना है तो डेल टी बी को एक ही साइड पे छोड़ देंगे इसी इक्वेशन में, डेल टी बी एक ही साइड पे रह जाएगा तो बराबर हो जाएगा ये एक्स टू के, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और डेल एच वी जो है ये डिवाइड में आ जाएगा। तो ये वाली जो फाइनल इक्वेशन है इसमें हम क्या कर लेते हैं, कांस्टेंट कांस्टेंट को एक साइड पे कर लेते हैं, तो डेल टी बी बराबर हो जाएगा अब आर टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल एच वी, कांस्टेंट है आर टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल एच वी, तो बाय रह जाएगा एक्स टू, ये सारी चीज़ें क्या हैं, कांस्टेंट हैं। तो ये बनी है फाइनल इक्वेशन हमारे पास जिसमें ये सारी चीज़ें क्या हैं, कांस्टेंट हैं। तो हम इन कांस्टेंट्स को अगर
बाहर निकाल दें तो डेल टी बी को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स टू कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो एक्स टू है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम खोल कर ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आ जाएंगे। तो अब चूंकि ये सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है तो सॉल्यूशन के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो सॉल्यूट के वो बहुत कम है, तो हम डिनोमिनेटर में एन टू को इग्नोर कर सकते हैं, तो एन टू डिवाइडेड बाई एन वन हो जाएगा, एक्स टू एन टू डिवाइडेड बाई एन वन के बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारे पास 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है, तो नंबर ऑफ मोल्स पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, मोलेरिटी। अगर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है हमारे पास तो एन टू जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तो वो बराबर हो जाएगा मोलेरिटी, मोलेरिटी डिवाइडेड बाय एन वन। तो इस एक्स टू की जगह हम एन एम डिवाइडेड बाय एन वन भी पुट कर सकते हैं, तो डेल टी भी विल बी प्रोपोर्शनल टू एम ओवर एन वन। अच्छा, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर अगर कॉन्स्टेंट लगाएं, क्योंकि यहाँ पर एक और कॉन्स्टेंट आ गया है ये वाला, इसको भी हमने इनकॉर्पोरेट करना है उन कॉन्स्टेंट्स के अंदर, तो आर टी नाट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एच वी इन टू एम डिवाइडेड बाई एन वन है, तो एन वन इनके साथ आ जाएगा। तो अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, कॉन्स्टेंट हैं, तो डेल टी भी बराबर हो जाए विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट टी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल एच वी एन, और बाहर एम आ जाएगा, तो कॉन्स्टेंट इंटू एम। अब ये वाला जो कॉन्स्टेंट है आर टी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल एच वी एन, ये क्या है, एबुलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, तो ये बराबर हो जाएगा के बी के। तो हम लिख सकते हैं कि डेल टी बी विल बी इक्वल टू, इसकी जगह अगर हम के बी कर दें तो ये एम, तो डेल टी बी जो है यहाँ पर वो विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलेरिटी ऑफ सॉल्यूट, यानी जितना ज़्यादा मोलेरिटी होगी, जितनी ज़्यादा सॉल्यूशन की मोलेरिटी होगी उतना ज़्यादा एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ये वाली जो फाइनल इक्वेशन बनकर आई है इससे हम तीन कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं। पहला कंक्लूजन क्या है, कि डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलेरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। दूसरा कंक्लूजन ये है कि डेल टी बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ सॉल्यूट, और तीसरा कंक्लूजन ये है कि जो डेल टी बी ऑब्जर्व्ड है इट शुड एग्री, इट शुड बी क्लोज टू द डेल टी बी कैलकुलेटेड, यानी ऑब्जर्व डेल टी बी वैल्यू शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द कैलकुलेटेड डेल टी बी वैल्यू। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की एक एप्लीकेशन में हमने पढ़ा था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मालूम करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये जो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट है इसके जो फाइनल फार्मूला है इससे भी हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मालूम कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास फ्रॉम डेल टी बी, तो डेल टी बी बराबर था के बी इंटू मोलेलिटी के, तो मोलेलिटी बराबर होती है मास ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एम टू मास ऑफ सॉल्वेंट इन के जी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1000। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एम इज इक्वल टू डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाई एम टू इंटू वन डिवाइडेड बाई डब्ल्यू वन डिवाइडेड बाई 1000, यानी डब्ल्यू टू 1000 इंटू डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाई एम टू इंटू डब्ल्यू वन। तो हम इस मोलेलिटी की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, डेल टी बी बराबर हो जाएगा के बी इंटू 1000 डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू वन इंटू एम टू। अगर हमने मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मालूम करना है जो कि यहाँ पर ये एम टू है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस साइड पर ले आते हैं और डेल टी बी को इस साइड पर ले आते हैं, तो के बी इंटू 1000 डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाई ये डब्ल्यू वन एज इट इज़ आ जाएगा, और ये इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा डेल टी बी। तो इस रिलेशन से हम लोग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मालूम कर सकते हैं।
ये वाला जो पर्टिकुलर रिलेशन है मोलर में से, तो इस रिलेशन से हमें पता चल रहा है कि डेल टी भी क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यही होती है ना, जो जो कि सोल्यूट की कंसनट्रेशन पे डिपेंड करती है, ना कि सोल्यूट की नेचर में। तो इसमें देखो जस्ट सोल्यूट की कंसनट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है डेल टी भी, यानी सिर्फ सिर्फ मोलैलिटी ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट हेडिंग है रिलेशनशिप बिटवीन द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फाइनल रिलेशन ड्रा की थी डेल टी वी के लिए, वो था डेल टी वी बराबर है के बी के इंटू 1000 डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू वन इंटू एम टू। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो बराबर होते हैं वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बराबर था वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा अगर रीअरेंज करके लिखें तो डब्ल्यू वन बराबर हो जाएगा एन वन इन टू एम वन। तो एक एम टू की वैल्यू और ये डब्ल्यू वन की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ये जिस पर्टिकुलर इक्वेशन में हम इन दो की वैल्यूज पुट करेंगे तो डेल टी बी बराबर हो जाएगा के बी इन टू 1000 डब्ल्यू टू बटे एम टू की जगह हम एन टू लिख सकते हैं, और ये जो डब्ल्यू वन है डिवाइड में आ रहा है इसकी जगह हम एन वन इंटू एम वन लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम रीअरेंज करके लिखें तो के बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम वन और एन टू डिवाइडेड बाई एम वन, एन वन को हम एक ही साइड पे ले आते हैं। अब हमने रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में एक रिलेशन इस तरह का देखा था कि डेल पी डिवाइडेड बाई पी नॉट बराबर है एन टू बटे एन वन के। ये पीछे हम रिलेशन पढ़ चुके हैं जिसमें था कि रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बराबर था मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। तो इससे फिर हमने ये रिलेशन ड्रा किया था। तो हम यानी एन टू डिवाइडेड बाई एन वन की जगह ये लगा सकते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो के बी इन 2000 डिवाइडेड बाई एम वन और यहाँ पर आ जाएगा डेल पी डिवाइडेड बाई पी नोट। तो ये हो गया डेल पी। तो देखिए यहाँ पर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के दरमियान हमें रिलेशन पता चल रहा है। अब अगर ये सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट हैं, कॉन्स्टेंट को अगर अलग कर दें, के बी भी कॉन्स्टेंट है, 1000 भी कॉन्स्टेंट है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट भी कॉन्स्टेंट है और ये जो पी नॉट है ये भी कॉन्स्टेंट है, तो ये रिलेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। इन कॉन्स्टेंट को हम साइड पे कर लेते हैं तो डेल टी बी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी हो जाएगा। तो ये फाइनल रिलेशन है। इस रिलेशन से हमें पता चल रहा है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के दरमियान क्या रिलेशन है। तो इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है तभी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है, और जितना ज़्यादा लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा उतना ज़्यादा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो इसके लिए दो मेथड्स हैं, एक मेथड है लैंड्सबर्गर मेथड, लैंडबर्गर्स मेथड है, और दूसरा मेथड है कॉटरेल मेथड। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं लैंडबर्गर्स मेथड से कैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट नोट किया जाता है। तो लैंडबर्गर्स मेथड का जो सेटअप है वो कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पर सॉल्वेंट लिया जाता है प्योर सॉल्वेंट, और उसके ऊपर इस तरह यहाँ पर एक ये फनल लगाया जाता है और यहाँ से एक ये ट्यूब लगाई जाती है, और इस ट्यूब के एंड पे यहाँ पर रोज हेड होगा, यानी ये जो बल्ब है इसके एंड पे ये पोरस होता है, और इस साइड पे ये एक बाहर वाली एक्सटर्नल ट्यूब जिसको कहते हैं जैकेट, हॉट वेपर जैकेट, जो हॉट वेपर्स को रिसीव करती है उसके अंदर एक ग्रेजुएटेड बॉइलिंग ट्यूब होती है, और इस बॉइलिंग ट्यूब के साइड पे यहाँ पर ऐसे होल होता है, और इसी ये जो इंटरनल ग्रेजुएटेड बॉइलिंग ट्यूब है इसके अंदर बैकमिंस थर्मामीटर हैंग किया जाता है। इस बैकमिंस थर्मामीटर की खासियत ये है कि ये बहुत जो कम टेम्परेचर है 1 डिवाइडेड बाई 100
ऑफ डिग्री तक ये मेजर कर सकता है। तो यहाँ से सॉल्वेंट को हीट अप किया जाता है, सॉल्वेंट के वेपर्स बनते हैं, और सॉल्वेंट के वेपर्स इस ट्यूब के थ्रू होते हुए इस रोज हेड से निकलते हैं। और ये वाला जो इधर, अच्छा पहले यहाँ पर ना सिर्फ सॉल्वेंट भरा जाता है, ये जो इंटरनल ट्यूब है ना ग्रेजुएटेड ट्यूब, इसमें सिर्फ प्योर सॉल्वेंट भरा जाता है। और यहाँ पर भी वही सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट यहाँ पर होगा सेम वही सॉल्वेंट यहाँ पर भी रखा जाता है। और इसको जब हीट किया जाता है तो इसके वेपर्स बनते हैं, जो इस ट्यूब के थ्रू होते हुए आते हैं, इस रोज हेड के थ्रू डिस्पर्स हो जाते हैं और इस सॉल्वेंट में आ जाते हैं। अब वेपर्स चूंकि गर्म होते हैं और यहाँ पर आते हैं, तो ये वाला जो सॉल्वेंट है ये ठंडा है, तो ये उन वेपर्स से जो हीट है वो ले ले लेता है, और वो वेपर्स यहाँ पर कंडेंस हो जाते हैं। और कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है, तो उन वेपर्स की कंडेंसेशन के थ्रू ये वाला जो प्योर सॉल्वेंट है ये हीट अप होता रहता है। और वो वाला पॉइंट जब ये सॉल्व जिस पॉइंट पर ये सॉल्वेंट बॉईल करने लग जाता है, उस पॉइंट पे थर्मोमीटर की रीडिंग को नोट किया जाता है, तो वो कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब उसके बाद क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट अब हमें मालूम हो गया है। तो साइड पे होल है, इसके थ्रू इसके अंदर सॉल्यूट ऐड करते रहेंगे, सॉल्यूट ऐड करेंगे, सॉल्यूट की वेट क्वांटिटी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, तो सॉल्यूट इस सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होगा। याद रखना ये जो सॉल्वेंट है इसको ठंडा करके आपने सॉल्यूट ऐड करना है, गरम गरम सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड नहीं करते ना। तो सॉल्यूट जब ऐड करेंगे तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा। अब दोबारा से आपने यहाँ से इस जो प्योर सॉल्वेंट है इसको गर्म करना है, तो इसके वेपर्स आकर इस सॉल्यूशन में आएंगे। अब चूंकि सॉल्यूशन है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले में ज़्यादा होगा, तो जो प्योर सॉल्वेंट के वक्त हमने T1 नोट किया था प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, अब इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो T1 से ज़्यादा होके T2 हो जाएगा। तो इसी तरह सॉल्यूशन का भी हम बॉइलिंग पॉइंट मालूम कर लेंगे। अब हमने इस मेथड से T1 भी मालूम कर लिया जो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट था, और हमने T2 भी मालूम कर लिया। अब T1 और T2 से हम डेल टी भी मालूम कर सकते हैं, जो आ जाएगा T2 माइनस T1। T2 इज़ द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड T1 इज़ द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें डेल टी बी की वैल्यू मालूम हो गई है। अब इस किस्म का रिलेशन था, हमने हमने डिराइव किया था जो पीछे वेबुलियोस्कोपी में। तो अब देखें हमें डेल टी बी की वैल्यू पता चल गई है। के बी तो कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू पता है 1000 है। अब डब्ल्यू टू क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वो भी हमें पता है। हमने जो है सॉल्यूट को जब ऐड किया था तो उसका वेट मालूम किया था। और डब्ल्यू वन यहाँ पर है वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन के लिए आपने मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर जो सॉल्यूशन है तो उसका आपने मालूम कर लेना है, उसका मास आपने मालूम कर लेना है, और फिर उसकी सॉरी उस सॉल्यूशन का आपने वॉल्यूम मालूम कर लेना है, तो और उसकी डेंसिटी भी मालूम कर लेनी है। तो मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से हम लोग मास मालूम कर सकते हैं। मास बराबर हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। कुल मिलाकर हम इस इक्वेशन के थ्रू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मालूम कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर सेकेंड मेथड जो कि क्वार्टरल मेथड है, इस मेथड के थ्रू एब्यूलियोस्कोपी को डिटरमाइन करना सीखते हैं। तो ये देखें क्वार्टरल मेथड्स का, क्वार्टरल मेथड के लिए ये वाला सेटअप यूज़ किया जाता है। इस सेटअप में अगर आप देखें तो ये एक एक्सटर्नल ट्यूब है, इसके अंदर यहाँ पर हमने फनल रखा है, और फनल जो है ना ये यहाँ से फनल जो है तो वो पोरस पोर्ट के ऊपर पड़ा हुआ है। फनल यहाँ पर पोरस पोर्ट के ऊपर पड़ा हुआ है, और साइड से ये वाली जो ट्यूब है ये ग्रेजुएटेड ट्यूब है। ग्रेजुएटेड ट्यूब का मतलब होता है इसके ऊपर यहाँ पर रीडिंग्स लगी हुई हैं, और जो है ये जो फनल है इसके ऊपर फिर हमने यहाँ पर बैकमेंस थर्मोमीटर को हैंड किया है, और इस ट्यूब के साइड पे ये आर्म है, और यहाँ से इसके साथ कंडेंसर को ज्वाइन किया हुआ है। तो इस ट्यूब को, ये जो ग्रेजुएटेड ट्यूब है, इसको यहाँ से पहले तो इसमें प्योर सॉल्वेंट रखा जाएगा, और इसको यहाँ से हीट किया जाएगा। तो हीटिंग से क्या होगा कि यहाँ पर वेपर्स बनेंगे, ये ऊपर से खुला हुआ है, खुला हुआ है, तो यहाँ से जो वेपर्स बनेंगे उन वेपर्स के थ्रू यह थर्मोमीटर जो है हीट गेन करेगा। तो इस थर्मोमीटर का ये जो मरकरी का लेवल है वो राइज करता जाएगा, और वो वाला पॉइंट
और सिमिलरली यहाँ से भी ये जो पोरस पोर्ट है इसके थ्रू भी वेपर्स इधर से राइज करेंगे और यहाँ से थर्मामीटर का बल्ब हीट अप होता रहेगा हॉट वेपर्स के थ्रू। तो वो वाला पॉइंट जिस पॉइंट पे ये जो सॉल्वेंट है ये बॉयल करना शुरू कर देगा, तो उस पॉइंट पे हम थर्मामीटर की रीडिंग नोट कर लेंगे, तो वो होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इस ग्रेजुएटेड ट्यूब में सॉल्यूट ऐड, इस सॉल्वेंट को ठंडा करना है पहले और उसके अंदर सॉल्यूट ऐड कर देना है। तो सॉल्यूट की एडिशन के बाद ये सॉल्यूशन बन जाएगा और फिर सेम आपने इसको हीट करना है, हीट करके सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी आपने मालूम कर लेना है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन से आपने डेल टी बी की वैल्यू मालूम कर लेनी है। और उसी तरह वही वाला जो रिलेशन था, इस रिलेशन में वेरियस जो पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो के भी हमें मालूम है, डेल टी बी भी हम मालूम कर लेंगे, यानी डिफरेंस इन द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट से 1000, और डब्ल्यू टू जो है ये वेट ऑफ सॉल्यूट है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट हम करके उसके अंदर डालेंगे, और जो डब्ल्यू वन है ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट मालूम करने के लिए आपने वही डब्ल्यू वन जो है ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है यानी मास ऑफ सॉल्वेंट, तो उसके लिए आपने डेंसिटी ऑफ सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूशन है यानी मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए आपने क्या करना है, सॉल्यूशन की डेंसिटी और उसका वॉल्यूम नोट करना है। तो इस तरह इन सब पैरामीटर्स की जब वैल्यूज हमें मालूम होंगी तो हम एम टू यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मालूम कर सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की थ्योरी पढ़ी, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन पढ़ा, हमने क्लाशियस क्लैपेरॉन इक्वेशन के थ्रू जो डेल टी बी है उसको डिराइव किया, फिर हमने जो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और जो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था उसके दरमियान रिलेशन को देखा। उसके बाद फिर हमने डिफरेंट मेथड्स के थ्रू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को मालूम करने की कोशिश की, जिसमें एक था लैंडबर्गस मेथड और एक था कॉटरेल मेथड। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।